नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे दाल की टिक्की, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो ये हम अरहर की दाल ली है और अरहर की दाल को हम पानी से अच्छे से धुल लिए हैं और इसे हम कुकर में डाल देते हैं। अब हम पानी मिला देते हैं। और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। तो अभी हमारा पानी कम है तो पानी को और मिला देते हैं। स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं, हल्दी पाउडर मिला लेते हैं, और थोड़ी सी हींग मिला देते हैं। और ये हम आटे को पहले से ही गूंथ के रख लिया है और कुकर के ढक्कन को हम ऊपर से ढक देंगे। तो देखिए, अब दाल में उबाल आ चुका है। तो अब हम टिक्की बना बना के इसी में डालते जाएंगे। तो हमने एक बड़ी सी लोई बना ली है और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी छोटी छोटी टिक्की बना के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बनाने से बहुत जल्दी बन जाता है। चाकू से हम इस तरह से काट लेंगे। साइज आप अपने अनुसार भी काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। अब हम दाल में डालते जाएंगे। इस तरह से बनाने से बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे हम फिर से ढक दिए हैं, दूसरा भी बना लेते हैं इसी तरह से। एक एक करके हम डालते जाएंगे।
तो इसे एक बार हम चला देते हैं जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी टिक्की को हम बना बना के इसी में डाल देंगे। कुछ लोग इसे दाल ढोकली भी बोलते हैं और दाल के फरे भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे दाल की टिक्की भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ क्या इसे कहते हैं। तो हमने सारी टिक्की बना बना के डाल दी हैं। एक बार इसे हम चला देते हैं। अब हम इसमें दो सीटी लगा लेंगे और ये अच्छे से पक जाएगा। तो कुकर में दो सीटी लग चुकी हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो कुकर की गैस निकल गई है, अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमारी दाल टिक्की अच्छे से पक चुकी है और दाल भी अच्छे से पक गई है। अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं और अब इसमें हम लहसुन का तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। तो देखिए, लहसुन हमारा पक चुका है अच्छे से। इस तरह से हम तड़का लगा लिए हैं। तो अब हमारी दाल टिक्की खाने के लिए रेडी हो गई है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से दाल की टिक्की बनाइए और खाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।